हे गाइस राज यार, तो बहुत दिन के बाद दोबारा से लेकर आज एक नया माइनक्राफ्ट का वीडियो लेके। अभी आप सब लोग बोले यार एक महीने तक आप पहले थे कहाँ बताओ भाई। एक महीने तक मैं कहीं घूमने नहीं गया था। रिसेंटली मेरी तबीयत खराब हो गया था भाई। मेरी तबीयत इतने ज्यादा बिगड़ गई थी कि यार मुझे हॉस्पिटल में भी एडमिट रहना पड़ा। तो भाई वो भी मैं आप सब लोग को आगे वीडियो पे चल कर बताऊंगा, क्योंकि यार अभी आगे ज्यादा बता दिया तो भाई इंट्रो ही बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगा और फिर लोग मुझे चप्पल से मारेंगे। तो चलो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो यार, अपने खुद के वर्ल्ड में आके बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज कुछ एडवांसमेंट कंप्लीट किया जाए। यहाँ पर जितने भी एडवांसमेंट थे मैंने पहले ही सारे के सारे कंप्लीट करके रख चुका हूँ, और यहाँ पर देखो थोड़ा सा भी बाकी है एडवेंचर में, और एंड में भी भाई मैंने सारा का सारा कंप्लीट कर दिया था। तो यहाँ पर से नेदर में कुछ बाकी है, जैसे कि सबसे मुझे तो हार्ड लगा कहाँ गया, हाँ एक घस्ट वाला, क्योंकि ये भाई एक घस्ट को मुझे नेदर से लेकर ओवरवर्ल्ड में लेकर आने के बाद उसको मुझे मारना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। ये बहुत एक हार्ड टास्क है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज के एपिसोड में इसको किया जाए, मज़ा भी बहुत ज़्यादा आएगा। और इसके साथ भी यहाँ पर से एक दो टास्क कुछ और भी है नेदर के, जैसे एक स्ट्राइडर को भी मुझे लेकर आना पड़ेगा ओवरवर्ल्ड में, फिर उसकी सवारी करना पड़ेगा बहुत दूर तक, तो वो भी तो करूंगा मैं। और यहाँ पर से एक खाने वाला है जो यहाँ पर मैंने 19 तरह के फूड में खा चुका हूँ 40 में से। अभी पता नहीं मैंने भी कुछ अभी भी कुछ फूड को इकट्ठा करके रख चुका हूँ, मैं आप सबको दिखाता हूँ एक मीटर को। तो इसमें भी भाई सार का सार एकदम फूड भरा, मुझे जितना हो सकता है हर एक तरह के फूड मैंने इकट्ठा किया है। देखो भाई कच्चा और पक्का, मतलब पॉइजन पोटैटो और पका हुआ पोटैटो, मैंने हर एक तरह के फूड इकट्ठा किया, कच्चा भी है और पक्का भी है। तो मैं आज सारे के सारे मतलब खाने के बाद देखूंगा कि कितना सारा होता है। यहाँ पर भी बहुत सारा मैंने फूड इकट्ठा करके रख चुका हूँ। तो चलो यार ये सब फूड का अपने पास इन्वेंटरी में रखकर बाकी सब कुछ इसके अंदर में डाल देता हूँ। तो चलो यहाँ पर से भाई हर एक तरह के फूड अपने अपने इन्वेंटरी में रख रहा हूँ, फिर इसको भाई एक एक करके मैं खाऊंगा, देखूंगा कि यार 40 में से क्या 40 ही कंप्लीट हो जाएंगे मेरा टास्क एडवांसमेंट। अरे यार इन्वेंटरी में मेरा जगह ही नहीं है। तो चलो एक मीटर को ये सब कुछ को तो अपने इन्वेंटरी में रखना ही पड़ेगा। तो इसको कैरेट को और इसको रख दे, नहीं 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 रुको, एप्पल को रखते हैं, इसको मैं खा लूँगा अभी। इसमें कुछ ज़्यादा हेल्थ भी नहीं बढ़ता और हंगर बार भी। तो चलो जाके कहीं पे जाके मैं पहले भीड़ जाता हूँ, और चलो यहीं पे जाके भीड़ जाता हूँ, थोड़ा सा डैमेज लेना पड़ेगा तभी मेरा हंगर बार खाली होगा, उसके बाद मैं उसको खा कर फुल करना पड़ूंगा भाई, फुल कर पाऊँगा यार। चलो यहाँ पर जाके भी थोड़ा सा धक्का मुक्की कर लेते हैं फिर भी यार भाई मेरा, ओ अच्छा अच्छा समझ गया भाई, यहाँ पास से तो भाई बीकन चल रहा है ना, इसलिए भाई डैमेज पहुँचते ही मुझे जल्दी से जल्दी रीजन मुझे मिल रहा है। तो कहीं और जाके मुझे भीड़ना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर दो हार्ट की भाई मुझे यहाँ पर से मिल चुका है डैमेज, और यहाँ पर जाके भीड़ जाता है। चलो अभी थोड़ा सा अच्छा खासा भाई हुआ है, तो चलो इस तरह से भाई मैं डैमेज पहुँचाता रहूँगा खुद को और खाता रहूँगा, और खाने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलो यार हर एक तरह के मैंने फूड तो ख़त्म कर दिया, मतलब मेरे पास जितना भी था, और यहाँ पर देखते हैं अभी ओके भाई 35 मतलब ऐसा, और कौन सा है ऐसा भाई 5 तरह के भाई खाना है जो मैंने अभी तक नहीं खाया, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थोड़ा सा वीडियो का आप पीछे करके देख लेना कि भाई मैंने कौन कौन सा फूड मैंने खाया है और कौन कौन सा 5 फूड बचता है भाई, कौन कौन सा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो भाई अभी समझ में नहीं आ रहा कि भाई ऐसा कौन सा फूड है जिसको मैंने नहीं खाया। और भी यहाँ पर ऐसे कुछ एडवांसमेंट है, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि अभी घास पहले एडवांसमेंट जो है इसको पहले आज मैं मुझे ख़त्म करना पड़ेगा, मतलब इसको करते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे एडवांसमेंट नया अपडेट्स के बाद भी और भी बहुत सारा नया नया यहाँ पर एडवांसमेंट भी ऐड हो चुका है, तो उसको भी मैं बाद में करूँगा। जैसे कि देखो ये वाला वुल्फ का, फिर यहाँ पर से रिपेयर करना पड़ेगा वुल्फ का आर्मर भी यहाँ पर नया आ चुका है एडवांसमेंट में। तो यार यहाँ पर भी और भी बहुत सारा नया नया एडवांसमेंट भी ऐड हो चुका है जिसको मैं सोच रहा हूँ कि बाद में करूँगा, क्योंकि यार और भाई यहाँ पर भी है देखो, एक एरो से मुझे दो फैंटम को मारना पड़ेगा, और अभी रात के सारे टाइम में कोई फैंटम तो है नहीं। तो चलो मैं सोच रहा हूँ पहले घास वाला उसको किया जाए भाई, वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए तो हार्ड टास्क होता है, उसके बाद ये फैंटम वाला भी मैं बाद में कर सकता हूँ। और वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा 2-3 रात में ना सोऊं ताकि फैंटम आ जाए, उसको मैं मार सकूँ एक ही एरो में। तो चलो यार चलते हैं। ओके तो यार अभी मैं सोच रहा हूँ कि भाई 2 स्टैक काफ़ी होने चाहिए, और बाकी के जो भी सामान चाहिए होगा मैं उस एक इसको रख के वो सब कुछ मैं पहले इकट्ठा करता हूँ, उसके बाद मैं आप सब लोगों से बस 2 सेकंड मिलता हूँ। चलो यार गुड मॉर्निंग गाइज, यहाँ पर से सुबह भी हो चुका है, मैंने जल्दी से सो गया था क्योंकि यार ये बारिश और रात भी यार नहीं जाने वाला था इसीलिए। तो चलो सीधे चलते हैं एकदम नेदर में, और नेदर में जाके भाई मुझे एक थोड़ा सा अच्छा खासा जगह भी ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर बहुत सारा गस्ट भी स्पॉन होते रहते हैं। तो चलो यार चलते हैं नेदर में। तो चलो नेदर में तो आ चुका हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि भाई यहाँ पर से आसपास घास तो
कोई घास तो यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा। तो इस साइड में एक बेस्टन है जहाँ पर बहुत सारा मतलब सोल सैंड वाला एरिया है जहाँ पर घास आई थिंक कि बहुत ज़्यादा ही, इससे तो भाई नॉर्मल से तो ज़्यादा ही वहाँ पर स्पॉन होते रहेंगे। तो चलो वही पर पहले चलते हैं। और यहाँ पर भाई यहाँ पर मैं सोचा चलो आते ही घास से मुलाकात हो गया, एक मुलाकात में बात ही बात में निकल चुके। तो हाँ ये देखो यहाँ पर से पहले से घास मिल चुका, तो मैं सोच रहा कि पहले इसको ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया जगह है, यहाँ पर से मैं सोच रहा कि अपना एक बड़ा सा पोर्टल बनाऊँ, दो स्टैग इसलिए मैंने लेकर आ चुका था ऑब्सीडियन। तो सबसे पहले तो यहाँ पर से एक बड़ा सा पोर्टल बनाना पड़ेगा। हाँ तो चलिए यार सबसे पहले मैं सोच रहा कि यहाँ पर से और भी बहुत सारे घास, भाई घास का आवाज़ मुझे आ रहा है भाई, ए देखो कहाँ, ए देखो इस साइड से भाई यहाँ पर से बहुत ज़्यादा घास आ रहा है। तो भाई इससे बढ़िया जगह भाई और नेदर पोर्टल के बड़ा वाला पोर्टल के कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसी को मैं बनाने वाला हूँ। तो चलो यार सबसे पहले आप वैसे मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं यार बनाते सोच लूँगा, एक दो तीन लग जा, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, भाई सोच रहा 20-20 का मैं कर दूँ तो बहुत ज़्यादा बड़ा भी पोर्टल हो जाएगा जो इजी भी होगा। 19-20 तो चलो, अरे रुक जा भाई बस कर भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 भाई इस तरीके से मुझे चारों साइड में मुझे और भी पोर्टल बनाने पड़ेंगे। भाई यार इस तरीके से अगर घास आता रहेगा तो यार समझ जाओ बहुत ज़्यादा ए जल्दी ए वाला एडवांसमेंट कम्प्लीट होने वाला है। चलो 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 बस मैं गिर ना जाओ भाई। भाई यार मैं बातें भूल गया कि कितना ऑप्शन मिला है भाई, यहाँ से भाई देख ही लूँगा ना, इतना काफ़ी होना चाहिए ना। अरे बस कर भाई। तो चलो यहाँ से भाई ऊपर की तरफ भी रुक जा भाई, रुक जा यार। चलो 1 2 भाई यार सबसे पहले तो मैं इसको पहले जल्दी से यार ख़त्म कर लेता हूँ भाई। यार इस तरह से नहीं होने वाला, मुझे लगता है कि घास को मुझे मारना ही पड़ेगा। यार इनको पहले मैं मार के और ये पूरा एयर पोर्टल ख़त्म करके मैं आपसे से बस 2 सेकंड दो मुझे फिर मैं मिलता हूँ। आ जा रुक जा भाई, तेरा पहले खेल ख़त्म करना पड़ा, रुक जा आ ले एक बार अच्छे से मार ले। अरे यार लग जाना चाहिए था, रुक जा। ओ भाई यार भाई ये मजाक के मूड में नहीं है। हाँ मार ले मार ले, रुक जा इसको तुम्हें ले। आ जा भाई तेरे को तो मैं शॉर्ट से मारने वाला। हाँ मार ले ले, इधर आ इधर इधर आ, किधर जा रहा है। हाँ देखो भाई यहाँ पर से एकदम नेदर पोर्टल के अंदर ही हो जा रहा है, मतलब ये सबसे बढ़िया जगह है। तो चलो सबसे पहले तो यार मैं यहाँ पर से एक पोर्टल ही बना लेता हूँ, सबको आग को बुझाता हूँ यहाँ पर से जल्दी इसके ओर चढ़ जाता हूँ और इस पोर्टल का पहले मैं ख़त्म करता हूँ, 1 सेकंड मुझे। तो चलो यार यहाँ पर से लाइट अप को करते हैं। ओके बहुत ही बड़ा सा पोर्टल है यहाँ पर से भाई, इसके अंदर चलो चलते हैं उस साइड चलते ओवरवर्ल्ड में। तो चलो ओवरवर्ल्ड का भी ये जो ये पोर्टल है इसको भी मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा वरना घास यहाँ पर से आने नहीं वाला। तो चलो जल्दी इसको बड़ा बनाते हैं। तो चलो आई थिंक इतना यहाँ पर समय, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं सोच रहा कि 5x5 का एरिया बना दो जो काफ़ी होना चाहिए। तो 2 यहाँ पर से भाई यहाँ से आएगा 1 फिर 2 3 4 और 5। चलो 5x5 का एरिया हो चुका है भाई, यहाँ से भाई मैं पूरा पूरा इसको जोड़ने वाला हूँ ताकि भाई घास भी इजीली बाहर आ जाए, उसके लिए भाई कुछ ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, इस सब कुछ को तोड़ना पड़ेगा। चलो यहाँ पर से भी इसको भाई पोर्टल पहले कंप्लीट कर लेते हैं। चलो यहाँ पर से इतना बड़ा पोर्टल तो भाई काफ़ी होना चाहिए आई थिंक। तो भाई सब कुछ मैं 1 सेकंड दूँ बस, इसको मैं जल्दी से हटाता हूँ। तो यार देखो यार बिना बीकन के भी भाई तो कितना जल्दी काम होता है। तो चलो इतना बड़ा आई थिंक यार काफ़ी होना चाहिए एक घास के लिए। तो चलो अभी उस साइड पर चलते हैं, एक घास को लेकर आता हूँ मैं फटाफट से, घास ढूंढने पड़ेंगे भाई। अभी तो देखो यार कितना सारा घास यहाँ पर से भाई तैयार रहा था पर अभी नहीं मिल रहा मुझे। तो चलो यार मिल जा थोड़ा सा घास। तो यार मुझे आप चलो मुझे थोड़ा सा टाइम दो इस घास से मैं मिल के आप सलो, मतलब घास को पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद मैं आप सलो से बस मिलता हूँ 2 सेकंड में। भाई यहाँ पर ही घास पे, रुको रुको वो बस यहीं पर आसपास आ रहा है भाई, बहुत मुश्किल से मिला है भाई। आ जा बस इसके अंदर आ जा, इसके अंदर आ जा ले भाई, इसके अंदर चला जा। ओह चला गया यार, मैंने इसको भेज दिया भाई, कम से कम भाई 2-3 घंटे से मैं बैठा हूँ कसम से यार। चला अभी उस साइड में जाके जल्दी से उसको मारते वरना अगर खुद मर गया तो भाई मुझे दोबारा से मेहनत करना पड़ेगा। तो कहाँ है ओके चलो एक कर। चलो यार इतनी खुशी भाई क्या बोलो यार, ख़त्म ही कर दिया भाई आखिरकार मैंने। चलो एडवर्समेंट का भी मैं दिखाता हूँ 1 मीटर को, और कितने पापड़ बेलने पड़े तुम्हारे भाई को नहीं पता यार। ये देखो भाई घास मिला यार ख़त्म हो गया भाई, बहुत ही मुझे सुकून मिला भाई। मुझे कम से कम भाई 3 घंटे से मैं बैठा था एक घास के लिए, और मैं सारे का सर और भी बहुत सारे मैंने इंतजाम करके रखा हूँ वो भी मैं आप सबको चलो चल के मैं अभी दिखाता हूँ। चलो लाइट अप करते हैं और इसके अंदर भी चलते हैं।
तो चलो इस जगह को जो देख रहे हो ना अभी बोलोगे राज भाई ये तो एक अलग जगह है, आप जब पहली बार आए थे तब अलग जगह था वो वाला भाई इस वाले जगह पे था। और यहाँ पता इस जगह का ना पूरा का पूरा एकदम वाट लग गया था। ये देखो मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर से चल हट जा यार, यहाँ पर से देखो लाइट अप करने के बाद भाई इस जगह से देखो पूरा का पूरा मैंने कॉबल स्टोन लगाया है भाई, पूरा का पूरा जगह भाई एकदम बैंड बन चुका था अभी घास से लड़ाई करते करते। तो यहाँ पर से तो हुआ नहीं तो मैंने वहाँ पर भी भाई मतलब यहाँ पर से कोई दूसरा कोई स्पॉन नहीं हो रहा था तो मैंने यहाँ पर भी देखो भाई ये सब आग जल रहा है ना ये भी भाई घास से ही फाइट करते टाइम में हुआ था। तो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा जो पड़ा है इसको मैं भाई इस तरह से फिल करता रहा ताकि भाई मतलब जो कॉबल स्टोन है इससे भाई ये मतलब इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता ब्लॉक। तो इसलिए मैंने भाई यार बात कर रहा हूँ ना अपने दोस्त के साथ तो चल हट जा भाई, तो इसलिए यार मुझे इतना सारा कॉबलस्टोन दोबारा से ओवर वर्ल्ड से लेकर आना पड़ा। और उसके बाद इतना बड़ा सा एक जो पोर्टल है इसके अंदर बहुत मुश्किल से वो वाला घास गया था, आप लोगों के सामने आपने देखा होगा, कसम से यार हालत एकदम पतली हो गया था भाई मेरा। तो यार आज के एपिसोड में बस इतना ही था, आई होप भाई वाला वीडियो सुनकर अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं होते ऐसे सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि यार आज भाई मैं कम से कम चार घंटे एक महीने के बाद में एक ही बार में चार घंटा बैठ रहा तो भाई मेरे पीठ वीठ सब कुछ भाई बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो भाई आज के एपिसोड में इतना ही था, मैं आप सब से मिलूंगा अगले एपिसोड में, टेक केयर।